मारुति सुजुकी जिम्नी, जिसको लेकर आज काफी लोग एक्साइटेड हैं, और जिम्नी को ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस भी किया गया है। आज हम इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970 के अंदर जापान में फर्स्ट जनरेशन जिम्नी को लॉन्च किया जाता है, जो कि सुजुकी की फर्स्ट एवर 4x4 गाड़ी थी, जो इनिशियली 3 सीट्स के साथ आती थी, यानी इसमें सिर्फ 3 लोग बैठ सकते थे, क्योंकि इसमें फ्रंट वाली पैसेंजर सीट के पीछे स्पेयर टायर मिलता था, तो 4 पैसेंजर्स की जगह इसमें होती ही नहीं थी। फर्स्ट जनरेशन जिम्नी में 1930 mm का व्हील बेस मिलता था, और साथ ही इसमें 360 cc का ट्विन सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता था, जो 25 hp की पावर जनरेट करता था, क्योंकि गाड़ी 600 किलो की थी, तो इतने छोटे इंजन में काम चल जाता था। 1970 से 1981 तक 11 साल बीत जाते हैं, और सुजुकी वाले जिम्नी का सेकंड जनरेशन जापानीज मार्केट में लॉन्च करते हैं, और सेकंड जनरेशन जिम्नी को ही इंडिया में पहली बार 1985 के अंदर लॉन्च किया जाता है, जिसे इंडिया में मारुति सुजुकी जिप्सी का नाम दिया जाता है। मारुति जिप्सी को इंडिया में 1985 के अंदर 1 लीटर वाले पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसमें 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता था, लेकिन बाद में मारुति जिप्सी का इंजन अपग्रेड कर दिया गया, और ये गाड़ी इंडिया में 1.3 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में बिकने लगी। इस गाड़ी को इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पुलिस और आर्मी सर्विसेज में यूज किया गया, और इतना ज्यादा यूज किया गया कि इंडिया के अंदर ये गाड़ी पुलिस और आर्मी का सिंबल बन गई, और इंडिया में जिप्सी का एक अलग फैन बेस बनता चला गया। 2018 तक जिप्सी इंडिया में बिक रही थी, लेकिन 2019 में सेफ्टी नॉर्म्स आए, जिसमें हर गाड़ी में एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन जिप्सी में एयरबैग्स नहीं मिलते थे, तो मारुति वालों ने इस गाड़ी को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया, और इंडियंस तब से जिप्सी के मॉडर्न वर्जन का वेट कर रहे थे, जिसमें एयरबैग्स और बाकी सारे फीचर्स भी हों। तो मारुति वालों ने ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी नई जिम्नी को शोकेस कर दिया, और अब इस गाड़ी को इंडिया में जिप्सी नहीं बल्कि जिम्नी बोला जाएगा। आज हम मारुति जिम्नी के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। नई वाली जिम्नी और जिप्सी में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, और वो है 4x4, जो कि पहले जिप्सी में भी आता था, और ये प्रॉपर ऑफरोडिंग के लिए बनाई गई है। मारुति जिम्नी का न्यू डिजाइन हमर से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड है, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये एक मिनी हमर है। सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। मारुति जिम्नी 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगी, जो 105 bhp की पावर और 134 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसका इंजन आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन कम प्राइस में अगर आपको 4x4 ड्राइव ट्रेन चाहिए, तो इस प्राइस में इससे अच्छा इंजन एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। जिम्नी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। अगर बॉडी डायमेंशंस की बात करें, तो ये 5 डोर वाली जिम्नी होने वाली है, जिसकी लेंथ 3985 mm है, यानी कि 3985 mm लंबी है, और ये 1645 mm चौड़ी है, और इसकी हाइट 1720 mm है, यानी कि ये गाड़ी 1720 mm ऊंची है। इस गाड़ी में आपको 340 mm का व्हील बेस और 210 mm की अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। फीचर्स की बात करें, तो जिम्नी में आपको मारुति का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही है, और साथ में आपको एयरकमीज का साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा। और एलॉयज की बात करें, तो इस गाड़ी में आपको 15 इंचेस के एलॉय मिलने वाले हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6 एयरबैग्स, ESP विद हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा और ABS विद EBD जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। और प्राइस की बात करें, तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख के आसपास है, और मारुति वाले इसे मई 2023 के अराउंड लॉन्च कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही कमेंट में ये भी बता देना कि अगला वीडियो किस टाइप का और किस टॉपिक पर चाहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।